सपा ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। ऋचा राजपूत पर लगाया अभद्र टिप्पणी का आरोप। शिवपाल यादव ने भी दे डाली चेतावनी। सपा के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के संचालक की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया। अब इस मामले पर सपा के सीनियर नेता शिवपाल यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने क्या कहा है, उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल का संचालक मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें से एक मामला बीजेपी नेता ऋचा राजपूत की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अब सपा ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा दिया। सपा नेता नरेश उत्तम पटेल ने ऋचा राजपूत के खिलाफ सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही सपा ने ट्विटर पर ऋचा राजपूत के ट्वीट्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। अब इस मामले में शिवपाल यादव की भी एंट्री हुई। उन्होंने महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए कहा, हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 पार हुआ उसके बाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी राजनीति में स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। सपा के दिग्गज नेता ने कहा, बीजेपी महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऋचा राजपूत पर भी कानून विवेचना कर रहा है और उसी के तहत कार्रवाई होगी। जो भी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव को अराजकता से बचना चाहिए। हम लगातार कानून के राज और विधि सम्मत कार्रवाई पर यकीन करते हैं।